प्यार दिल से स्वागत है फिर से आपका अपने न्यू ब्लॉग में। सो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ जयपुर और यहाँ पे मैं नहा धो के खाना वाना खा के रेडी हूँ, तो अभी निकलूँगा यहाँ से। और भाई आँखों की हालत आपको देख के पता, आप दो दिन से सोया नहीं हूँ, तो अभी जाऊँगा आगे आगे मेरे को मिलेगा नेपाल, नेपाल बोलेंगे। तो जो भाई नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। सो मैंने सुरेंद्र को छोड़ दिया घर पे, वो गया घर पे, तो अभी मैं जाऊँगा अकेले, तो चलते हैं अभी यहाँ से। तो बने रहना मेरे साथ में, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैंने बंदरों को डाले हैं तरबूज, देखो वो वहाँ पे। और भाई यहाँ पे हर चक्कर मैं कुछ ना कुछ डाल के जाता हूँ, कभी अगर नाइट वाइट में निकलता हूँ तो बेशक नहीं डालता हूँ, नहीं तो यहाँ पे हर चक्कर डाल के जाता हूँ। तो अभी वीडियो तो बनाया नहीं क्योंकि बनाने वाला नहीं था कोई साथ में, तो इसलिए मैं अकेले डाल के अभी। तो मैं पहुंच गया अभी शाहपुरा, तो यहाँ पे मैं हर चक्कर कुछ ना कुछ डाल के जाता हूँ क्योंकि इनके लिए कुछ करेंगे तो ऊपर वाला अपने को भी अच्छा देता है। तो भाई सभी भाइयों से निवेदन है, पशु पक्षियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ किया करो जितना हो सके। और हमारे यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बंदर है, शाहपुरा से पहले या ये अलवर तिराया यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, अभी गाड़ी में ग्रीस करवाएंगे शाहपुरा में, फिर निकलेंगे आगे। यूरिया लेना है, यूरिया भी कमी है अपनी गाड़ी में, थोड़ा ही है, खाली दो फूटी आ रहे तो चलते हैं अभी। भाई नींद पूरी ना होने से ना शरीर बिल्कुल मतलब साथ नहीं देता है, नींद कम से कम आदमी को लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन क्या करें अभी मजबूरी है। ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है, बहुत बंदर है। तो चलते हैं अभी गिरीश निकलवाते हैं शाहपुरा में, फिर आगे यूरिया वगैरह भरवाते हैं, फिर निकलेंगे आराम से। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं बगरू, और बगरू पहुंचे हैं हम जयपुर पार करके, और अर्जुन की भी गाड़ी साथ में हो गई, तो अभी यहाँ पे खाएंगे खाना, फिर भाई ये चलाएंगे मेरी गाड़ी घंटे दो घंटे, क्योंकि अभी मेरी आँख खुलना बंद हो गई क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया ड्राइव करते हुए, बिल्कुल थकान हो गई शरीर में। तो अभी मैं घंटे दो घंटे रेस्ट करूँगा, उसके बाद चलूँगा। तो अभी घंटे दो घंटे चलाएगा अर्जुन मेरी गाड़ी, इसके पास बंदा है वो चलाएगा। तो अभी खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं यार। आ जा छोटू, इसके पास ये बंदा है, ये नरेंद्र है भाई। हेलो दोस्तों, ये चलाएगा गाड़ी, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आँख खुलना बंद हो गई भाई मेरे को, अभी सुस्ती आ रही थी तभी फ़ोन लगा के बातें कर रहा था मैं, तो अभी फिर ये आए अब पीछे से, तो इन्होंने हॉर्न लगाया तो वापस थोड़ी खींच के रखी, नहीं तो आराम आराम से आ रहा था। तो अभी यहाँ से खाना वाना खा के निकलते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ चित्तौड़ से उदयपुर रोड पे, और भाई मैं अभी उठा था 3:30 बजे क्योंकि अर्जुन चला रहा था मेरी गाड़ी, तो अभी वो निकल गए उधर चित्तौड़ से निम्बेड़ा के लिए, क्योंकि उनका जो सेव था वो था अहमदनगर का, महाराष्ट्र का, और मेरा है सूरत का, तो वो उधर निकल गए, मैं इधर आ गया। तो भाई अभी नेपाल आएगा सुबह मॉर्निंग में मंगलवाड़ा, तो मैं आगे जाके कहीं होटल वगैरह पे रुक जाऊंगा,
दो तीन घंटे की बात है, तब तक गाड़ी की साफ सफाई कर लेंगे। और भाई इस वाले रोड पे मैं तकरीबन 3 महीने के बाद अब आ रहा हूँ। मैं लास्ट ट्रिप सूरत का लगाया था हिमाचल से, तब आया था, उसके बाद आज आ रहा हूँ 3 महीने के बाद तकरीबन। और भाई ये मतलब किशनगढ़ से और उदयपुर तक इतना प्यारा रोड बनाया है ना, बस अब गाड़ी चलाने का सफ़र निकालने का मज़ा ही अलग है। मतलब ये लगता नहीं है सफ़र कब निकल गया। जब 4 लाइन थी ये तो बहुत टाइम लगता था, क्योंकि जगह जगह पे गांव वगैरह में जाम, फिर छोटे छोटे ट्रैफिक। अभी कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, 6 लाइन रोड है और कहीं पे हर जगह ब्रिज बनी हुई है, तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो भाई मेरे को इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी ना वहाँ किशनगढ़ से, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने अर्जुन को बोला कि भाई मेरी गाड़ी चला, अगर वो ना भी चला दे तो मैं 2-3 घंटे सो के आता, लेकिन उन्होंने गाड़ी चलाई तो मैं टाइम से अब नेपाल को लेके निकल जाऊँगा। और भाई पार्टी वालों ने ना जान खा के रखी हुई है, आज मेरे को 3रा दिन है और वहाँ कानवाई से 27 तारीख को मैं कानवाई से निकला था, 27 को सुबह मॉर्निंग में मैं उधमपुर पूछा था 27 तारीख को तकरीबन 12-1 बजे दिन में। ओ भाई यार ये गाड़ी देखो भाई क्या करते हो यार, भाई साहब टेलर है ये, सीमेंट भरी हुई है, कोई ना कोई अभी हुआ है ये ताजा ही। यार भाई नींद वगैरह आए तो आराम से सो लिया करो यार, कहाँ की जल्दी हो रही। तो भाई मैं 27 को निकला कानवाई से, अब वो कल 28 को फ़ोन कर रहे हैं भाई गाड़ी आज लगा। अरे यार कहाँ से आज लगेगी गाड़ी, 2000 किलोमीटर का सफ़र ऐसे बाद में थोड़ी ना निकलता है। ये काम था यार हिमाचल में, मतलब कहीं पे भी हमने पार्टी बोलती थी भाई 5वें दिन लगाओ, हम 4थे दिन पहुँचते थे, लेकिन ये दूसरे रोज ही फ़ोन कर रहे हैं भाई आज लगाओ गाड़ी। अरे यार कम से कम 3रे दिन का तो बनता है, 3रे नहीं वैसे तो 4थे दिन की बनती है, लेकिन 3रे दिन का तो टाइम दे हो। लेकिन क्या बोल सकते हैं यार, जब कुछ बोलेंगे तो फिर भाड़ा काटने की धमकी देते हैं यार। फिर हमें फ़ोन मत करना, सामने पार्टी वाला ये होगा बेचारे, पार्टी वाले सामने वाले कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन क्या करें भाई गाड़ी वालों की कौन सुनता है। चलो खैर अभी चलते हैं वहाँ पे मंगलवाड़ा, कहीं होटल वगैरह पे रुकते हैं। और नेपाल को मैंने बोल दिया था शाम को ही कि भाई सुबह मॉर्निंग में आ जाना, तो वो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है उसका गांव, तो आएगा बाइक वाइक लेके फिर निकलेंगे। अभी चलते हैं कहीं होटल वगैरह पे रुकते हैं फिर निकलेंगे वहाँ से। और भाई मैंने गाड़ी में यूरिया भी इस बार कम ही डलवाया है, क्योंकि मेरे को वापसी उधर रिटर्न आते में गाड़ी की सर्विस करवानी है। फर्स्ट सर्विस होगी 40,000 पे, 42,000 तक कभी भी करा सकते हैं फर्स्ट सर्विस। तो अपनी गाड़ी चल गई 39,340 किलोमीटर, तो वापसी में करवाएंगे क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं, तो रिटर्न में ही करवाएंगे। थोड़ा क्लिच भी दिखानी है यार, क्लिच भी थोड़ा झटका ले रही है, मतलब मिसिंग कर रही है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है थोड़ी बहुत है, तो वो सब वापसी में करवाएंगे।
तो अभी मैं पहुंच गया मंगलवाड़ा होटल में, और यहाँ पे मैंने लगा दी गाड़ी। अभी यहाँ से सुबह निकलूँगा, नेपाल आएगा तकरीबन 8-8:30 बजे के समथिंग आएगा वो, क्योंकि 6-7 बजे तो उठते ही हैं नॉर्मली गांव में। तो 8-8:30 बजे वो आएगा, फिर निकलेंगे यहाँ से। तब तक मैं और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ी आँखों में नींद चढ़ी हुई है। तो अभी यहाँ पे करते हैं रेस्ट, सुबह निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने उसको रात में इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं को रात में निकलेंगे कहाँ पे रुकेगा वो होटल वगैरह पे, थोड़ा ठंडी का भी टाइम है। तो सुबह आ जाना मॉर्निंग में आराम से, क्योंकि यहाँ से 8-9 बजे भी निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे टाइम से। तो अभी करते हैं रेस्ट और करते हैं नेपाल का इंतज़ार। तो उसको मैंने मैसेज तो कर दिया है, बाकी एक कॉल और करके सोऊंगा। तो सुबह उठेगा तो देख लेगा कि हाँ भाई मंगलवाड़ा आ गई गाड़ी। तो करते हैं रेस्ट, तो वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। तो कमेंट करके बताओ कैसा क्या लगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।